तो कैसे हो बंटा की पब्लिक। तो आज है 15 जून और पिछले साल 2023 के जून के महीने में एमवे बंटाई का किंग ऑफ द स्ट्रीट एल्बम आया था। सो 5 जून से लेकर 16 जून तक एमवे बंटाई ने किंग ऑफ द स्ट्रीट एल्बम के सभी सॉन्ग को धीरे धीरे एक एक करके ड्रॉप किया था। सो ये सब चीज मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सभी को वेट है अब दुनिया और दीन एल्बम की, जो की इसी साल आनी है। बाकी अगर एमवे बंटाई जून के महीने में इस एल्बम को ड्रॉप करते हैं तो भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी कोई नहीं, जब भी ये एल्बम आएगी तो भाई आग लग जाएगी। बाकी बात करते हैं कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के बारे में। तो कल मॉर्निंग में 11 बजे सेज भाई का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है, जिस सॉन्ग को एमवे बंटाई ने भी शेयर करते हुए लिखा है कि दिस वन इज वाइप, तैयार हो जाओ पब्लिक। बाकी इस सॉन्ग के लिए कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा रफ्तार भाई का एक इंटरव्यू आया जिसमें उनसे एमवे बंटाई योयो पाजी के साथ कोलैबोरेशन के बारे में पूछा जाता है, जिसके बाद उनका कुछ रिप्लाई ऐसा आता है। सो आप लोग इस इंटरव्यू को खुद ही देख लो। हमें गाना चाहिए सब एक साथ, और सब आर्टिस्ट का, सब आर्टिस्टों का नाम लिया होगा। लगा लिया भाई सबको गले लगा लिया, ये सब है मेरे लिए। भाई प्यार ही है यार, कहाँ लेके जाएंगे ये सब यार, कहाँ लेके जाएंगे। नाराजगी है, नफरत नहीं है, बहुत फर्क है दोनों में, जो कि होता है मतलब। हाँ दोस्त, जहाँ बहुत प्यार होता है ना वहीं ये गिले शिकवे होते हैं, वरना बाकी में तो आप के निकल जाते हैं। कोई अगर लेबल सुन रहा हो तो बजट काटे हो जाएगा सब, पता नहीं कौन कहां पे किसके साथ बजट तो काटे इतना बड़ा। तो मैं आपको नाम बता दूं क्या क्या है इस कमेंट में। रफ्तार, सुखी बाजी, हनी सिंह, बादशाह, दिलजीत, एमी विक, ये सबका नाम लिया। फिर तो पिक्चर ही बनाते ना पूरी, गाना 8 मिनट का गाना करके क्या फायदा। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।